welcome back to my channel with another vlog. Guys, this is Yamaha RX100, the legendary of the 90s and the so-called pocket rocket. Guys, ye basically 100cc ka bike hai ye. Aap log mere video mein pichli baar bhi dekh chuke hain bahut baar. Kal hum log guys Phoenix Expo jane wale hain, Dareville, jo Kokrajhar mein padta hai, wo location Kokrajhar. Aur इसलिए हम लोग थोड़ा इसको साफ सुथरा रखेंगे, आज सफाई करेंगे. बहुत दिन से इसको धोया भी नहीं था, बहुत बिल्कुल गंद भरा हुआ था. अब इसको धोने के बाद थोड़ा सा पॉलिश भी करेंगे बाद में. अभी यहाँ पे सबसे बेहतरीन शैम्पू आपको बता देंगे, बताओ कि सन सिल्क, जो कि सबसे बेस्ट है, शाइन और सिल्की ज़बरदस्त रहता है वो शैम्पू. तो बाल्टी में मैंने दो पैकेट शैम्पू मिक्स किया, फिर उसके बाद पानी के साथ मिक्स करके अभी इसको धोना चालू कर दिया. मैं देख सकते हैं गाइस, जिस दिन से मैंने रिस्टोर किया था तब तक 517 किलोमीटर बस उतना तक चलाया था मैंने राइड टोटल, जिस दिन से रिस्टोर किया था उस दिन से. सो मैंने हैंडल बार ये बुलेट का लगा दिया मैंने आगे का हैंडल बार. फिर ये मेरा जो RX-Z का भी आता है, लेकिन मैं इसका RX-Z का नहीं लगाया मैंने, इसको एवेंजर, जो बजाज एवेंजर है उसी का लगा दिया मैंने. फिर आगे का ये फोन स्पोक में मैंने उसका फोन कवर लगा दिया फोक. फिर एलो हिल वो भी इंस्टॉल कर दिया था मैंने पहले ही, आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता दिया था मैंने. फिर आगे का हेडलैम्प तो वैसे ही नॉर्मल पड़ा हुआ है, वही पुराना है वाला, ठीक है. और ये मटगर जो कि स्टेनलेस स्टील का आता है. सो गाइस, फाइनली धोना खत्म हो चुका है. अभी शैम्पू लगाने के बाद इसको पूरा पानी के साथ पूरा भिगा दिया मैंने अच्छे से. फिर ये देखो यहाँ पे टूटी बिल्कुल, बहुत ही कदम है, इसका लेवल ऊपर तक होना चाहिए. अब मैं जाऊँगा थोड़ी देर बाद, फिर टूटी वेल पूरा डाल के आ जाऊँगा कंप्लीट. सो गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या बोलते हैं, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं आप लोग येलो हिल में, इसमें रेसिंग बॉय लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे रेसिंग बॉय लिखा हुआ है, देख सकते हो लोग, रेसिंग बॉय. फिर देखो यहाँ पे मैं टैंक के नीचे देखो, ये RX-100 जहाँ पे मोनोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो साइलेंसर लगा हुआ है ना, ये पुराना वाला मैंने नहीं हटाया इसको, क्योंकि ये ओरिजिनल वाला साइलेंसर है, इसलिए मैं इसको नहीं हटाया. भले जितना भी गंदा हो उसमें रस्ट वगैरह वो सब लग जाए, लेकिन मैं इसको हटाऊँगा नहीं. ये सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला साउंड आता है, सबसे बेस्ट. अगर आफ्टर मार्केट आप लोग लगाना चाहता है तो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी, बहुत ही जल्दी इसका साइलेंसर थोड़ा बिगड़ने लग जाता है. अभी इसको मैंने धूप में सुखा दिया था, तो गाइस फाइनली इसको सुखा के मैं अभी थोड़ा साया पे रख दिया मैं. अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँगा, इसको पॉलिश करना चालू कर दूँगा मैं, फिर दोबारा धूप में रखूँगा मैं इसको. फिर देखना इतना साफ दिखेगा कि मतलब पूरा शाइन और सिल्की बहुत ही ज़बरदस्त दिखने लग जाएगा अभी. सो गाइस, आज उतना तक ही था बस, ये मेरा छोटा सा मोटर ब्लॉग, तब तक ले बाय बाय.